इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था को छेड़छाड़ करने वाले लोगों को एक चेतावनी दिल्ली से जानी चाहिए, एक संकेत दिल्ली से जानी चाहिए। आदिवासियों की अधिकार को लेकर किसी को भी छेड़छाड़ करने का हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये संविधान सभा की निर्णय है और इस पवित्र गृह जब उड़ीसा की 50 से ज्यादा आदिवासी उपनामधारी समुदाय को न्याय देती है, 4 आदिम जनजातियों को जिंदगी का स्वीकृति देती है, आप ये सदन आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी राज्य में, उड़ीसा नहीं, किसी भी राज्य में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को, सुरक्षा को छेड़छाड़ ना किया जाए। जब कैबिनेट ने रिसेट कर दिया है उसके बाद ये उठाना, कहना कि कैबिनेट ने ऐसा किया है, दिल्ली से यहां से एक फरमान भेजा जाए, मुझे लगता है संघीय व्यवस्था पे ये कड़ी चोट है। What is the point of order? It's absolutely, sir. You cannot reflect on a person of high authority. The cabinet is headed by the honorable chief minister of Odisha. You are reflecting on the character of Dr. the Odisha Sasmi, cabinet. Dr. Sasmi, मान्यवर, अगर कैबिनेट में ऐसे चर्चा शुरू हो गई, राज्यों के कैबिनेट में ऐसे चर्चा शुरू हो गए, तो जो भय है कि फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, अब माननीय मंत्री अगर यहां से बैठ के कहते हैं कि दिल्ली से फरमान भेजा जाए, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ वेरी सॉरी डे फॉर डेमोक्रेसी। यू मेड योर पॉइंट। इन दिनों में अध्यक्ष महोदय ये हुआ है, उड़ीसा सरकार ने कैबिनेट निर्णय किया कि आदिवासियों की जमीन को जो भारत की संविधान की अनुच्छेद आर्टिकल 244 में प्रिवेंशन ऑफ लैंड अलाइनेशन एक सुरक्षा है, संविधान ने लिखा है, संविधान सभा ने लिखा है, उस सुरक्षा के साथ उड़ीसा में छेड़छाड़ हुई। एक उड़ीसा की कैबिनेट ने एक निर्णय किया कि आदिवासियों की जमीन को भी बिक्री कर दिया जा सकता है। सब आदिवासी समाज में आक्रोश हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कुछ आपत्तियां उठी कि भाई कैसे आपने तय किया, कैबिनेट आने के पहले ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी से यह क्या पारित हुई थी क्या, फिर तहकीकात किया गया, चर्चा हुई ना, नौरेबा गुंजर हत्या कर दिया गया है। एक अच्छा, एक तो मेरे राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बैठती नहीं, कोई सचिव नहीं रहता है सालों तक, अभी कोई सचिव महोदय है, कोई सालों तक वहां ट्राइबल अफेयर्स के बारे में सचिव नहीं थे। एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की एनेक्सर में इस प्रकार की कुछ चीजों को चुपचाप से भर्ती करके कर दिया गया, ये कहा गया, बहुत विरोध होने के बाद अभी फिर दोबारा उस निर्णय को पलटा दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम देर सही दुरुस्त बुद्धि तो आई, गलती करने से आप खुद को वंचित किया, लेकिन ये कोई विषय के नहीं, जिसकी मन में सर, जिसकी मन में एक बार आदिवासियों का जमीन हड़पने का किसी के मन में खून लग गई तो सर देर सवेरे आ ही जाता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की संरक्षण चाहता हूं, कृपया आप करके इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था को छेड़छाड़ करने वाले लोगों को एक चेतावनी दिल्ली से जानी चाहिए, एक संकेत दिल्ली से जानी चाहिए। आदिवासियों की अधिकार को लेकर किसी को भी छेड़छाड़ करने का हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यह संविधान सभा की निर्णय है और इस पवित्र गृह जब उड़ीसा की 50 से ज्यादा आदिवासी उपनामधारी समुदाय को न्याय देती है, 4 आदिम जनजातियों को जिंदगी का स्वीकृति देती है, आप ये सदन आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी राज्य में, उड़ीसा नहीं, किसी भी राज्य में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार को, सुरक्षा को छेड़छाड़ ना किया जाए। इसी निवेदन के साथ पुनः इस ऐतिहासिक बिल की एक दूरगामी प्रभाव को देखते हुए मैं अत्यंत सहर्ष इसको समर्थन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। पॉइंट 5, सर, आई कैन जस्ट टेल यू व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, गिव द फैक्ट पार्ट ऑफ इट। द फैक्ट पार्ट इज दैट व्हेनेवर एनी मैटर व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑन सब्सटेंशियटिव मोशन रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन ऑफ अथॉरिटी व्हिच बेसिकली मीन्स ऑनरेबल मिनिस्टर इन हिज स्टेटमेंट हैज रिफ्लेक्टेड ऑन द ओडिशा कैबिनेट। ओडिशा कैबिनेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी and has the similar constitutional authority as would be probably the Council of States, because it draws its power from the Constitution. Therefore, to belittle the Odisha Cabinet A is unfortunate. If that is one, sir. Second,
If honorable minister has a problem with certain things that have happened, he is a cabinet minister. What prevents him from taking the matter up with his own government? Coming to the parliament and seeking the parliament's premise is very unfortunate. Third, last point, sir, last point. Sir, misleading statements have been made. First and foremost, there was no proposal to sell the tribal land for anyone. Let me make it very clear. Many tribal people, बहुत सारे आदिवासी भाई बहने हैं जिन लोगों की जमीनें वो गिरवी रख के अपने एजुकेशन के लिए, अपने हेल्थ के लिए, बाकी चीजों के लिए करना चाहते हैं, बट वो अपनी जमीनें गिरवी नहीं रख सकते। इसी सोच के साथ किया गया था, मगर जब महसूस हुआ कि शायद इससे कोई सोच हो, द मैटर हैज बीन रिसेंडेड बाय द कैबिनेट। जब कैबिनेट ने रिसेंड कर दिया है, उसके बाद ये उठाना, कहना कि कैबिनेट ने ऐसा किया है, दिल्ली से यहां से एक फरमान भेजा जाए, मुझे लगता है संघीय व्यवस्था पे ये कड़ी चोट है। What is the point of order? It's absolutely, sir, you cannot reflect on a person of high authority. The cabinet is headed by the honorable chief minister of Odisha. You are reflecting on the character of Dr. the Odisha Sasmi, cabinet. Dr. Sasmi, मान्यवर, अगर कैबिनेट में ऐसे चर्चा शुरू हो गई, राज्यों के कैबिनेट में ऐसे चर्चा शुरू हो गए, तो जो भय है कि फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, अब माननीय मंत्री अगर यहां से बैठ के कहते हैं कि दिल्ली से फरमान भेजा जाए, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ वेरी सॉरी डे फॉर डेमोक्रेसी। यू मेड योर पॉइंट।